नमस्कार साथियों, चंबल प्रभाग के कार्यक्रम सीधी सट नेताजी के साथ में आपका स्वागत है। साथियों, पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का शोर थम गया है। राजस्थान के मुखिया बने हैं गहलोत, तो मध्य प्रदेश के हिस्से में आए हैं कमलनाथ। मित्रों, लोकतंत्र में हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीतने वाले के कुछ प्रतिशत ज्यादा तो हारने वाले के कुछ प्रतिशत कम। लेकिन प्रशंसक अपने नेताओं से उम्मीद रखने वालों के पास दोनों ही होते हैं, इसलिए जीतने वालों के साथ साथ हारने वाले नेता पर भी अपने क्षेत्र की जनता की बराबर की जिम्मेदारी होती है कि वह सत्ता पक्ष से संघर्ष कर क्षेत्र में विकास करने के लिए उन्हें मजबूर करें और किसी के साथ भी अन्याय ना होने दें। इसी क्रम में चंबल प्रभा ने शुरू किया है एक कार्यक्रम सीधी सट, जिसमें हम मिलेंगे सभी सत्ता और विपक्ष के नेताओं से और करेंगे तीखे सवाल जवाब। सवाल वही होंगे जो आप अपने नेता से करना चाहते हैं। तो मित्रों, आज हम मिलाते हैं आपको पूर्वी राजस्थान के लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा जी के पुत्र, युवा भाजपा नेता और राजा खेड़ा से भाजपा के प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा जी से। नमस्कार मित्रों, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीएपी के नेता अशोक शर्मा जी। आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, उसको छोड़ के आपने बीएपी ज्वाइन करी, तो इस बारे में आपका क्या कहना? मेरा परिवार, मेरे पिताजी शुरू से कांग्रेसी थे। 11 बार टिकट पिताजी को मिला और 2008 में मुझे मिला, मैं जिलाध्यक्ष था। जो सम्मानी वसुंधरा राजे राजस्थान की चीफ हमारे धौलपुर की रमाराणी साहब हैं, उन्होंने जो धौलपुर का विकास किया उसको देख के मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैंने महसूस किया कि हम कांग्रेस में रह के धौलपुर जिले का अपना विकास नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने अपना पद छोड़ा और सामान्य रूप से मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की ताकि धौलपुर का विकास हो पाए। आगे सर 2023 में चुनाव आएंगे, 23 में आप राजा खेड़ा से उम्मीदवारी रखेंगे या फिर धौलपुर से? 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है उम्मीदवारी की, वक्त तो बहुत तय करेगा। अभी तो मुझे राजा खेड़ा की जनता के लिए वो सब करना है, उस संघर्ष को करना है जो मैंने अपने भाषणों में उनकी जनता से वादा किया। इलेक्शन लड़ना इशू नहीं है, अभी 5 साल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए काम करना वही प्राथमिकता है। बीएपी द्वारा राजा खेड़ा में चंबल लिफ्ट योजना, धौलपुर में हॉस्पिटल खुलवाया सीएम साहब ने, और फिर भी संभाग स्तर पर सिर्फ बीएपी एक सीट लेके आ पाई, इस बारे में आपका क्या है? कई बार हार जीत विकास से भी हटके हो जाती है, जाति आंकड़ से हो जाती है। 61,000 वोट मिलना खासकर राजा खेड़ा में, और मैं नया प्रत्याशी था 20 दिन में, इस बात का संकेत है कि लोगों ने जो वसुंधरा राजे जी ने विकास किए उसकी सराहना की है। हो सकता है उतना मैसेज नहीं पहुंचा हो, तो 5 साल के दौरान लोगों को इस बात से अवगत कराया कि जो भी विकास हुआ है वो सम्मानित वसुंधरा राजे की प्रयासों से और जनता को अवेयर कराए। यदि राजा खेड़ा की जनता आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिलेगी? पहली बात, मैं उनके साथ हर कार्यक्रम में रहूँगा, मैं राजा खेड़ा जाया करूँगा, मनिया जाया करूँगा, उनके सुख में दुख में हर तरह की भागीदारी करूँगा। और रही बात धौलपुर की, उनका स्वागत है। मैंने कल भी कहा, आज पुनः दोहराता हूँ कि मेरा अपना खुद का ऑफिस है जगन सिनेमा की प्रेमिसिस में, वो आए अपनी समस्याओं के लिए सामाजिक की व्यवस्थाओं के लिए मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी बना दिया है, जो राजा खेड़ा के लोग हैं जो दूर दराज रात को लौटते हैं और राजागढ़ा के लिए साधन 6 बजे के बाद नहीं है, तो मेरी गेस्ट हाउस में उनकी रुकने की सुविधा है, वो बिल्कुल आराम से रुक सकते हैं। सुबह में आए दिन सुबह 7 बजे उनसे चर्चा किया करूँगा और उनसे अवगत कराऊँगा कि भाई मैं उनके साथ। यदि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस विधायक रहते, यदि राजागढ़ा की समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, तो आपका क्या स्टेटस रहेगा? जब आदमी विपक्ष में रहता है तो उसकी जवाबदारी उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो वादे घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने किए हैं अगर उनको क्रियान्वित नहीं करती है तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और प्रशासन शासन को भी इस बात के लिए प्रेशर करेंगे कि वो जनहित में उनकी सुनवाई करें और बेहतर से बेहतर उनका विकास करें। राजा खेड़ा में चुनाव हारने का आपका मुख्य कारण क्या रहा? मैं लोगों में अपना विश्वास नहीं जगा पाया जितना मुझे जगाना चाहिए। मेरा अपना मत है, सोच है
कि मैं इलेक्शन आ रहा हूँ, लेकिन 20 दिन के अंदर 62,000 वोट मिलना भी उन लोगों का सम्मान है, मेरे प्रति प्यार है और विश्वास है। मैं हो सकता कई मुद्दों पे नया होने की खातिर उस रणनीति को नहीं अपना पाया जो इलेक्शन जीतने के लिए करती है। शायद मुझे ज़्यादा वक्त मिलता तो मैं क्या परिणाम होता ये तो नहीं कह सकता, लेकिन फासला बहुत नज़दीक हो जाता। वक्त न मिलना भी एक बहुत बड़ी मेरी कमजोरी है। मैं लोगों में विश्वास नहीं लगा पाया, आंकड़े नहीं। चुनाव जीतते ही राजाखेड़ा विधायक बोले एक रावड़ को हरा के हमने यहाँ से भेजा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जीतने के बाद अहंकार आना आदमी की मानसिकता को दर्शाता है। इलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, प्रतिनिधि बहुत होते हैं, लेकिन इस तरह की अशोभनीय बात बोलना, मैं तो उनको ईश्वर से प्रार्थना करूँगा उनको सद्भावना दे, बुद्धि दे और पॉजिटिव अप्रोच करे। किसी आदमी के प्रति धार्मिक इतनी टिप्पणी करना, या तो उनको ज्ञान नहीं है, या उनको नॉलेज नहीं है, या वो बहुत परेशान। चंबल प्रभा के साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सवाल जवाब, जो बिना रोके टोके शर्मा जी ने जवाब दिए।